वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है बायनोमियल कोफिशिएंट का सम किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है। आइए देखते हैं, एग्जांपल के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ गया आपके पास 8C0 प्लस 8C1 प्लस 8C2 प्लस 8C3 प्लस 8C4 प्लस 8C5 प्लस ऐसे 6 और ये 7 प्लस में कहाँ तक जा रहा है, 8C तक जा रहा है। ठीक है दोस्तों, और चार ऑप्शन आपको दे दिए जाए इसका सम क्या होगा। ये है 256, 64, 1028 और 257। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अगर मेरे पास इस तरह की सीरीज हो, जीरो से स्टार्ट हो रही है और कंटिन्यू चल रही है 1 2 3 4 कहाँ तक, जहाँ तक 8C8 है, तो इसका सम क्या होता है, इसका फार्मूला होता है, वो क्या होता है यहाँ लिख देता हूँ मैं। जैसे अगर मेरे पास NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 ऐसे चलते चलते प्लस कंटिन्यू NCN तक हो, तो इसके लिए फार्मूला होता है 2 रेज़्ड टू पावर n। ठीक है दोस्तों, अगर मैं इसको इसके साथ कंपेयर करूँ, ये 8C0 से लेके 8C8 तक है और यहाँ भी NC0 से लेके NCN तक है, तो इसका फार्मूला क्या बना, 2 रेज़्ड टू पावर n। सेम इसी का फार्मूला क्या बनेगा, 2 रेज़्ड टू पावर n की वैल्यू क्या है यहाँ पे 8, तो 2 रेज़्ड टू पावर 8, और 2 रेज़्ड टू पावर 8 क्या होता है 256, तो 256 क्या आ गया, इसका राइट आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, कुछ कंडीशंस लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन यहाँ तक होता, सिर्फ सम यहाँ तक फाइंड आउट करना है। ठीक है दोस्तों, तो कैसे करते, तो इसका राइट आंसर क्या होता देखते हैं। सबसे पहले मुझे क्या करना है, इसको इसके साथ कंपेयर कीजिए, ये कहाँ से कहाँ तक है, 8C0 से लेके 8C7 तक है, और ये कहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक है, NC0 से लेके NCN। यानी कि अगर इस फॉर्म को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, यानी कि इसका फार्मूला ये होता है, पर यहाँ पे क्या है, 8C0 से लेके 8C7 तक है। अगर यहाँ पे 8C8 होता तो क्वेश्चन ईजी था। इसको कैसे करेंगे, इसको करने के लिए पहले मैं इसको इसमें कन्वर्ट करूँगा। कैसे कर सकता हूँ, अगर मैं इसमें 8C8 प्लस कर दूँ और यही चीज़ माइनस कर दूँ, ये इस फॉर्म में बनाने के लिए किया मैंने। अब इसकी जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ, तो 2 रेज़्ड टू पावर n की वैल्यू क्या है, 8, और माइनस इसकी वैल्यू क्या है, NCN की वैल्यू हमेशा 1 होती है, तो इसकी वैल्यू 1 है, और 2 रेज़्ड टू पावर 8 की 256 माइनस 1 तो क्या आ गया, 255, तो 255 क्या आ गया मेरा राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, और क्वेश्चन देखते हैं, और कंडीशंस देखते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन मेरा यहाँ तक होता और ये भी ना होता, तो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, वही पहले मैं इसको इस फॉर्म में बनाऊंगा ताकि मैं ये फार्मूला पुट कर सकूं। तो यहाँ किस किस चीज़ की कमी है, अगर यहाँ पे 8C0 भी होता और 8C8 भी होता तो लिख देता, तो मैं वही चीज़ इसमें प्लस कर दूँ, अगर 8C0 और किस चीज़ की कमी है, 8C8, और माइनस भी करना पड़ेगा इक्वेशन को बराबर रखने के लिए। ठीक है दोस्तों, इसको मैं आगे लिख लूँ 8C0 प्लस 8C1, ऐसे करते करते कहाँ तक जाएगा ये, 8C8 तक, और ये माइनस ये सारी एज इट इज़ पड़ी है। ठीक है दोस्तों, और इसकी जगह पे अब मैं फार्मूला पुट कर सकता हूँ, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 2 रेज़्ड टू पावर 8 माइनस 8C0, 8C0 की वैल्यू क्या आती है 1, और 8C8 की वैल्यू क्या आती है 1, तो इसकी जगह पे क्या आ गया 1, और इसकी जगह पे क्या आ गया 1, तो 256 और 112, तो क्या आ गया 254। ठीक है दोस्तों, इस तरह आपसे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आइए वो टाइप के क्वेश्चन देखते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं। जैसे क्वेश्चन आ गया मेरे पास 9C1 प्लस में 9C3 प्लस में 9C5 प्लस में 9C7 प्लस में 9C9। ठीक है दोस्तों, अगर मैं इस सीरीज को ध्यान से देखूँ तो 1 के बाद क्या रहा है 3, और 3 के बाद क्या रहा है 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, ये क्या एक और सीरीज है। अगर इस तरह से और सीरीज का सम आ जाए, और कोफिशेंट का सम आ जाए, तो उसको कैसे करते हैं, यहाँ लिख देता हूँ। अगर मेरे पास NC1 प्लस में NC3 प्लस में NC5 ऐसे करते करते जा रहा हो, तो उसका सम आएगा तो 2 रेज़्ड टू पावर n माइनस के 1, यानी कि 2 रेज़्ड टू पावर n में से 1 माइनस करना है। ठीक है दोस्तों, इसको अगर मैं इसको इसके साथ कंपेयर करूँ, तो हाँ जी
वन है, थ्री है, फाइव है, सेवन है, एन नाइन है, उसके पास और नंबर क्या है, नाइन ही है, तो ये सीरीज बन रही है। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, टू रेस्ट टू पावर एन क्या है, नाइन माइनस वन, यानी कि टू रेस्ट पावर एट, और टू रेस्ट पावर एट क्या होता है, 256। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 256 क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा। कुछ क्वेश्चन देखते हैं एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ सकता है। जैसे मान लो यहाँ तक क्वेश्चन आ गया आपके पास, ठीक है दोस्तों, इसको सोल्व करना है, तो कैसे करेंगे इसको, आइए देखते हैं। जैसे अगर मैं इसको इसके साथ कंपेयर करूँ तो ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एन सी वन से स्टार्ट हो रहा है, वन थ्री फाइव अप टू ऐसे तक, पर ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, थ्री से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि इसमें किस चीज़ की कमी है, एन सी वन की कमी है। तो मैं यहाँ एन सी वन प्लस कर देता हूँ और यहाँ एन सी वन माइनस कर देता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो अभी ये क्या बन गया, सारा मेरा फार्मूला बन गया। तो इसका फार्मूला टू रेस्ट पावर एन माइनस वन और माइनस एन सी वन, नाइन सी वन की वैल्यू नाइन ही होती है, ठीक है दोस्तों। तो एन सी वन की वैल्यू क्या आ गई, नाइन, तो टू रेस्ट पावर एट माइनस के नाइन, तो ये क्या आ जाएगा, मेरा राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर, जैसे मान लो ये दोनों चीज़ें गायब हो यहाँ से, अब क्या होगा इसका राइट आंसर, अब कैसे करेंगे इसको देखते हैं। तो इसमें किस किस चीज़ की कमी है, इसमें एक तो कमी है 9c1 की कमी है, और ये n कहाँ, n क्या मेरा 9 है, यानी कि ओड नंबर कहाँ तक जा सकते हैं, 9 तक जा सकते हैं, तो 9c9 ये भी जोड़ देते हैं, और ये दोनों चीज़ें क्या करनी पड़ेंगी मुझे, माइनस करनी पड़ेंगी, ठीक है दोस्तों। तो इसका फार्मूला क्या बन गया, टू रेस्ट टू पावर n माइनस वन, और 9c1 की वैल्यू क्या होती है, 9, और 9c9 की वैल्यू 1, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या आ गया, टू रेस्ट पावर एट माइनस के 10, तो टू रेस्ट पावर एट माइनस के 10 क्या आ गया, इसका राइट आंसर आ गया। और देखते हैं क्वेश्चन किस तरह से आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे क्वेश्चन आ गया आपके पास 10c1 प्लस 10c3 10c5 ऐसे 10c7 तक है, तो इसको कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। अगर मैं इसको इसके साथ कंपेयर करूं, ठीक है दोस्तों, ये कहां से जा रहा है, 1 भी है, 3 भी है, 5, 7, n की वैल्यू क्या है, 10, 10 के पास, 10 से नीचे और नंबर क्या है, 9 है, यानी कि यह 9 भी आ सकता था, तो 9 में से या 10c9 ये ऐड करना पड़ेगा, और इसी चीज़ को माइनस कर दो। अब मैं इसकी जगह पे फार्मूला लिख सकता हूँ, तो इसका फार्मूला है 2 रेस्ट पावर 10 माइनस 1, और 10c9 क्या होता है, 1, तो ये क्या आ गया, 2 रेस्ट पावर 9 माइनस 1, ये क्या आ गया, राइट आंसर। 2 की पावर 9 क्या होता है, 512 माइनस 1, यानी कि इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 511 क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा। आइए देखते हैं, अगर ओड सीरीज़ की जगह पे यहाँ पे इवन सीरीज आ जाए, जैसे क्वेश्चन है 8c0 प्लस 8c2 प्लस 8c4 प्लस में 8c6 प्लस में 8c8, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आइए देखते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है, अगर यहाँ पे क्या आ जाए, ओड सीरीज आ जाए, NC0 से स्टार्ट होता है, NC2 NC4 ऐसे आगे चलते रहे, तो इसका फार्मूला भी क्या होता है, सेम होता है, ठीक है दोस्तों। तो अगर मैं इसको इसके साथ कंपेयर करूँ, NC0 से है वो लास्ट में NC8 तक ही है, तो इसका फार्मूला 2 रेस्ट टू पावर n माइनस के 1, यानी कि 2 रेस्ट पावर 7, और 2 रेस्ट पावर 7 क्या होता है, 2, 4, 8, 16, 32, 64 और 128, ठीक है दोस्तों। इसमें घुमा फिरा के कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये यहाँ पे इसका सम निकालना है, कैसे करेंगे, मुझे पता है यहाँ पे क्या है, 8c0 से लेके कहाँ तक होना चाहिए, वो जहाँ तक यहाँ पे n क्या है, 8 है, 8 के आसपास इवन नंबर क्या है, 8 खुद ही है, तो यहाँ पे 8c8 की क्या कमी है, वही प्लस कर दो और वही चीज़ क्या कर दो, माइनस कर दो। अब इसकी जगह पर मैं 2 रेस्ट टू पावर n माइनस 1 लिख सकता हूँ, ठीक है दोस्तों, और 8c8 की वैल्यू क्या होती है, 1, तो अगर 2 रेस्ट टू पावर 7 माइनस के 1, ठीक है दोस्तों, और 2 रेस्ट टू पावर 7 क्या होता है, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 माइनस 1, यानी कि 127, ठीक। और कैसे क्वेश्चन
जैसे मान लीजिए क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन आ गया 9C0 प्लस 9C2 प्लस 9C4 प्लस 9C6, ये क्वेश्चन आ गया। कैसे करेंगे, पहले मैं इसको इसके साथ कंपेयर करूँ, ये कहाँ से 0, 2, 4, 6, हाँ जी ये कंप्लीट है नहीं, क्योंकि n की वैल्यू क्या है 9, n के पास ही वह नंबर कौन सा है, n के पास ही वह नंबर 8 है, यानी कि 8 की यहाँ पे कमी है, तो 9C8 प्लस कर दूँ और यही चीज़ क्या करनी पड़ेगी मुझे, माइनस करनी पड़ेगी। अब मैं इसकी जगह पे फार्मूला लिख सकता हूँ, इसका फार्मूला 2 raised to power n-1, ये तो इसका फार्मूला बन गया। और इसकी 9C8 की वैल्यू क्या होती है, n c n-1 की वैल्यू n ही होती है, तो 9C8 की वैल्यू क्या आ जाएगी 9, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास माइनस के 9, तो 2 raised to power 8-9, तो ये क्या आ जाएगा मेरा, ये आ जाएगा मेरा राइट आंसर। तो इस तरह से आपसे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आई होप आपको समझ आएगा। थैंक यू वेरी मच।